हेलो गाइस, अभी हम बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस या पेरिफेरल एम्स में से हमें क्या चूज़ करना चाहिए। गिविंग यू सम कॉन्टेक्स्ट, मेरे पिछले साल 2021 में 651 मार्क्स आए थे, ये बैक क्यों हो गया, 651 मार्क्स आए थे, 3902 AIR आई थी, और मेरे को खुद इस डिलेमा में मैं था कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, पेरिफेरल एम्स लेना चाहिए। बहुत डिसीजन के बाद मैंने डिसाइड किया कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, विच इज़ गोवा मेडिकल कॉलेज। क्यों किया, वही हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न बॉन्ड। बॉन्ड आपको पता होगा क्या होता है। बॉन्ड बेसिकली आपको 1 साल 2 साल, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर, आपको एडिशनल काम करना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज टू कॉम्पनसेट फॉर द फैक्ट कि आपको बहुत सस्ते में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में पढ़ने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई रहती है। मोस्टली कितने साल का हो सकता है बॉन्ड, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 का होता है, कितनी कितनी में 5 से 10 साल तक का भी बॉन्ड होते हैं, और उसको तोड़ने के लिए फीस लगती है। अगर मुझे एक मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में 1 साल का है, तो 1 साल का बॉन्ड तोड़ने के लिए 5 लाख की फीस है। एनीवेज आगे बढ़े तो वही, अगर बॉन्ड वही बॉन्ड ए पेरिफेरल एम्स में नहीं होता है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्यों बॉन्ड में टाइम वेस्ट करना है यार। फीस इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की थोड़ी ज़्यादा रहेगी पेरिफेरल एम्स से। पूरा पेरिफेरल एम्स का जो पूरा कोर्स होगा MBBS का, वो 5,000 से 10,000 से ज़्यादा नहीं लेगा इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी एंड एंड ऑल। और दरअसल जो मेरा कॉलेज है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इन जनरल सेमेस्टर के अराउंड 50,000 60,000 लेंगे, विच इज़ वेरी लेस, लेट मी टेल यू। अगर आप यही प्राइवेट में करने जाओगे, आप 1-2 करोड़ तो खर्च करके ही आओगे, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, तो विच इज़ अ वेरी सस्ता डील। प्लेस प्लेस देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो तो एज्यूम सेम स्टेट में लोगे जहाँ पे आप रहते हो। फ़ायदा होता है, प्रॉक्सिमिटी होती है। मेरा कॉलेज मेरे घर से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, कभी भी आओ जाओ, घर पे रहता हूँ, घर में बहुत मदद हो जाती है मेरी। हॉस्टल लाइफ के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिलते हैं, लाइफ लेसन्स मिलते हैं, और ऑब्वियसली आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप यू आर लर्निंग अबाउट न्यू स्टफ इन लाइफ। कॉन्स भी होते हैं कि आपको बहुत सारा टाइम फालतू चीज़ें में जाता है, बट वो आपका खुद का डिसीजन है। सपोर्ट, अगर देखो पेरिफेरल एम्स 5 साल भी नहीं हुआ बने हुए, 5 साल भी नहीं हुआ, तो उसमें सीनियर्स की क्वालिटी, लाइक सीनियर्स तो अभी 2-3 साल के मिलेंगे ना, और सीनियर्स 2-3 साल के मिलेंगे तो वो आपको कितना ही गाइड कर सकते हैं। लेकिन वही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आई एज्यूम कि बहुत सालों से हैं, और बहुत सालों से हैं तो बहुत सारे बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हैं, हर साल होते थे, और आपको बहुत, अगर आपको कभी US जाने का मन किया, प्लैब मतलब UK जाने का मन किया, तो आप यू कैन लुक अप टू पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दैट बिफोर यू, राइट। तो आपको सपोर्ट मिलता है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगता है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड फैक्टर टू बिहोल्ड और टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट। स्टाफ देखा है इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में स्लाइटली बेटर होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एम्स पेरिफेरल एम्स आर न्यू, और पेरिफेरल एम्स क्योंकि न्यू है, उसमें फैकल्टी भी न्यू है, वेकेंसीज बहुत पड़ी हुई हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज क्योंकि बहुत सालों से हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है बहुत ज़्यादा, 15-20 साल की एक्सपीरियंस की, तो इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी बेटर रहेगी, बट ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पीजी कोटा वाज द बिगेस्ट फैक्टर व्हाई आई डिड नॉट चूज एम्स कल्याणी और एम्स देवगढ़ ओवर गोवा मेडिकल कॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी NEET UG अच्छा गया, इसका ये मतलब नहीं है कि NEET PG भी अच्छा जाएगा। और NEET PG देखो अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो एक अगर क्वेश्चन रहे, एक कोटा रहे, देखो उस टाइम ना, अभी तो आपको बस कॉलेजेस का देखना है, उस टाइम आपको कॉलेजेस का भी देखना है और ब्रांचेस का भी देखना है कि मेरे को मेडिसिन मिलेगा, सर्जरी मिलेगा, रेडियोलॉजी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो दोनों देखना होता है। तो उस टाइम अगर कोटा मिल गया तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। एम्स के नेम वैल्यू बोले, एम्स की नेम वैल्यू होती है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट अगर आप रिसर्च करने इंडिया से बाहर जाओ तो एक फैक्टर बन जाता है, और आपको ब्रैगिंग राइट्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत। नंबर ऑफ बेड्स इन जनरल इज मच मोर इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस,
क्योंकि बहुत पुराने, तो पेशेंट्स प्रेफर कमिंग टू ओल्ड इंस्टीट्यूशंस विच हैव सम नेम। पेरिफेरल एम्स, दरअसल उनको बहुत फंडिंग मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर कॉम्प्लेक्स होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट फिलहाल में उनके बेड्स होते हैं नंबर हाई नहीं है। ओपीडी आईपीडी बहुतों में तो शुरू भी नहीं हुई है, तो दिल टेक सम टाइम टू कैच अप, राइट? या दैट्स व्हाट आई बिलीव। आगे देखा जाए तो ये चार एम्स है जो आपको अगर मिल रहे हो तो लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, न्यू दिल्ली, जोधपुर, पटना, भुवनेश्वर। अगर ये सब मिल रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग। इवन रायपुर इज गुड, और दो चार ऋषिकेश का भी अच्छा ही होता है ऑफकोर्स, तो वो मैं लिखना भूल गया, बट हाँ उधर पुराने कॉलेजेस हैं, फैकल्टी अच्छी है, बॉन्ड नहीं है, फीस कम है और रेप्यूटेशन बहुत हाई है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए अगर ये मिल रहे हो। थिंग्स टू कीप इन माइंड, बॉन्ड ईयर्स कितने हैं, एक साल से ज़्यादा है तो मत लो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। बॉन्ड फीस 5 से 10 लाख से ज़्यादा आइडियली नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट पर ईयर। नंबर ऑफ बेड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नंबर ऑफ बेड्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, विच इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? एक्सप्लेनेटरी। प्रॉक्सिमिटी देखें, प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉक्सिमिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो मैं हम ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? पीजी कोटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलता है यार बाद में जाके, श्योरिटी नहीं है कि आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ऑफकोर्स आप मेहनत करोगे मिलने का चांसेस बहुत हाई है, बट इट्स नॉट अ गारंटी, राइट? तो अगर आपको ये फैक्टर इंपॉर्टेंट लगे तो कंसिडर करना। मेरा ओपिनियन इन जनरल है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आर बेटर देन पेरिफेरल एम्स, गिवन दैट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपके घर के पास है, बॉन्ड कम है, फीस कम है और टॉप 50 कॉलेजेस में आता हो। ये सारे फैक्टर्स मल्टीफैक्टोरियल है ना इक्वेशन, तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी समझ आए इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरा दिन और एफर्ट बन जाता है इससे, इसके लिए। ये ऑलरेडी मेरा थर्ड टेक है ऑफ द वीडियो, क्योंकि पहले दो मेरे को स्पीड पसंद नहीं आई जैसे मैं बात कर रहा था, दूसरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो मैंने पूरा बोल दिया फिर याद आया रिकॉर्ड ही नहीं दबाया था। यस, तो ऑल दिस एफर्ट विल ऑल बी लाइक कॉम्पनसेटेड फॉर इफ़ यू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, और एक एडिशनल सब्सक्राइबर मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।